कि हम उस दौड़ में या उस रेस में सबसे आगे हों या हम उस रेस में भागे ही ना जिसमें क्वालिफिकेशन की रेस की बात हो रही है कि क्वालिफाई करना है क्वालिफाई करना है हम क्वालिफिकेशन से हद आगे बढ़े और इजी दे हमारा पेपर क्रैक करें 2019 के पेपर में थोड़ी सी झलकी देखिए आपको 2023 की दिखी होगी क्योंकि एक दो क्वेश्चन थे वो ऐड करने वाला जो क्वेश्चन था जो हमने शायद फोर्थ पार्ट में किए वो काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2023 के पेपर में भी था और 2020 के पेपर में भी कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो पार्ट टू या पार्ट थ्री में आपको देखने को मिल सकते हैं जिसकी झलकी आपको 2023 में दिखी होगी तो यह कहना कि 2023 का पेपर टोटली आउट ऑफ द बॉक्स से गलत होगा बिकॉज ये बन चुका क्योंकि जो समझदार बच्चा है उसे पता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए अगर उसने कोई गलती की भी है तो उसको पता है कि उस गलती को सुधारना कैसे है मुझे अच्छे से पता है आपको क्या करवाना है क्योंकि 2023 के पेपर के बाद मुझे पता चल चुका है कि कैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है नए क्वेश्चन कहां से बनेंगे कैसे बनेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट मुझे अच्छे से पता है अभी है इसको पूरी नॉलेज है बिकॉज हैचीस साल से बाईसो सिलेक्शन बाईसो प्लस के साथ नंबर वन है हम तो रीजन इसका कुछ है कि है, है कि डेप्थ की एनालिसिस होती बहुत सटीक तर्क होते हैं कि क्यों ऐसे ही पढ़े क्यों ऐसे ही करना और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक अर्ली सीसेट बैच लॉन्च किया है जो है हमारा सीसेट न्यू बैच और इसकी कोर्स की डिटेल जो है आपके स्क्रीन पे है ठीक है अब क्या है ये कैसे है मैं आपको एक एक करके बताता हूं देखिए सबसे पहले सी सेट न्यू बैच कोर्स डिटेल सबसे पहले बताऊं मैं आपको ये बैच मेरा है तीन से साढ़े चार बट अगर मैं बात करूं ये बैच चलता है पांच बजे तक तकरीबन तकरीबन ठीक है फिर आप कहेंगे सर ये तीस मिनट क्या होता है भाई तीस मिनट बताएंगे आपको थोड़ा सा आराम करिए थोड़ा सा इकाई सबसे पहले ये चार दिन बीच हमारा चार फोर डेज होगा <coughs> जो आने वाले समय में सिक्स डे वीक हो जाएगा जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा क्लियर इसके अंदर टोटल लेक्चर्स कितने हैं टोटल मेरे पास 180 से ज्यादा लेक्चर्स हैं इसके अंदर 180 प्लस लेक्चर्स हैं इसके अंदर जिसके अंदर 90 मेरे एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हैं नब्बे मेरे किसके लेक्चर है क्वान्टिट एप्टीट्यूड और सॉरी नब्बे टोटल लेक्चर्स हैं ये एक्चुअली ये क्या है मेरे पास ये ऑनलाइन प्लस ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है मेरे पास ठीक है जिसके अंदर नब्बे लेक्चर मेरे को मिल रहे हैं लाइव लेक्चर्स मतलब जिसमें मेरा डिटेल सिलेबस होगा जिसके अंदर पचास एप्टीट्यूड के हैं मैथ्स जिसे आप बोलेंगे अब पचास लेक्चर्स मैथ, मैथ है यानी पचास गुना डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट सत्तर से अस्सी घंटे का आपके पास मैथ है सिर्फ मैथ ठीक है उसके पास पच्चीस लॉजिकल जो लाइव मिल रहा है अभी वन एटी प्लस कैसे ये मैं थोड़ली बताऊंगा आपको और पंद्रह आपको मिलेंगे इंग्लिश आई थिंक पंद्रह बहुत ज्यादा लेक्चर्स हैं आपके कॉम्प्रीशन को समझने के लिए अब इसकी बात करू प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने आपके पास प्रीवियस ईयर लेक्चर आपके पास पंद्रह लेक्चर्स जो ऑलरेडी अपलोडेड है पोर्टल पे डन इसके अंदर एमसी क्यू प्रैक्टिस सेशन कितने आपके 50 फिफ्टी प्लस जो ऑलरेडी अपलोडेड है पोर्टल के अंदर लाइव मेंटरशिप सेशन कितने आपके 30 प्लस क्लियर सो so, ये तो वो है जो कोर्स के अंदर मिल रहा है अब आप कहोगे सर मिल रहा है आपने इतना इंफोसिस क्यों किया बिकॉज इसको छोड़ के भी आपको बड़ी सारी चीजें मिल रही हैं अब क्या मिल रहा है देखिए सबसे पहले आपको मिलते वीकली शेड्यूल <coughs> वीकली बेटा वीकली शेड्यूल क्या है ये वीकली वो पार्ट है जहां पे क्या होगा आपके पास पूरे वीक का एक टाइम टेबल क्या क्या जिस दिन आपका जो लेक्चर शेड्यूल किया गया समझ लीजिए मंडे को मेरा लेक्चर मंडे को सपोज मेरा नंबर सिस्टम का लेक्चर है तो नंबर सिस्टम के लेक्चर के नीचे आपको लगी हुई पोर्टल पे जिसके अंदर क्या होगा वो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी पार्ट होगा वो कुछ जो भी है सब होगा जो मुझे चाहिए क्लियर या जो मैंने करवाना है क्लास में नंबर दो रिसोर्सिस रिसोर्सेस <laughs> क्या होता है रिसोर्सेज चैप्टर का वो कोर पार्ट होता है जिसके अंदर चैप्टर की थ्योरी होती है या कुछ फॉर्मुलाज होते हैं अच्छा अब कहोगे सर और क्या मिल रहा है अब आप कहोगे सर और भी कुछ मिल रहा है जी हाँ लास्ट बट नॉट द लिस्ट लास्ट ने इसके बाद एक चीज और आपके लिए बताऊंगा दो चीजें बल्कि अब पास मेरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या है ये जो आधा घंटा है ना ये वही वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने क्लास में कराए हैं पंद्रह से बीस तीस क्वेश्चन होंगे साढ़े चार से पांच बजे का टाइम है ये मेरे डाउट सेशन का टाइम है एक्चुअली ये थर्टी मिनट का क्या मिल रहा है मुझे हर लेक्चर के साथ डाउट सेशन क्लियर क्या मिल रहा है बच्चों मुझे डाउट सेशन तो समझिए इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्यों इतना क्यों इतना भारी भरकम कोर्स है ये आपको इसके बाद करने की जरूरत है कुछ भी नहीं सबसे एंड में आपके पास क्या मिलेगा आपको वीकली टेस्ट क्या मिलने वाला आपको आपका वीकली टेस्ट

और कॉल भी कर सकते हैं है, क्लियर तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दो हजार बीस के चलिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मेनी जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कि आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है प्रोडक्ट दिया गया है इसको जब आप सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में आपके आएंगे। क्या दिया? देखो या तो हमारे पास होने के देखो दस बनेगा कैसे पहले तो समझो अगर मैं बात करूं दस या जीरो अगर मैं एक दो को एक पांच से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सीधा सीधा एक जीरो आता है यानी अगर मेरे पास दो दस अगर मुझे सौ चाहिए तो नंबर ऑफ ये चाहिए होगा यानी चार पच्चीस कितना आएगा मेरे पास सौ आएगा चाहिए ये बात है अब ध्यान से सुनो मुझे करना क्या है मुझे नंबर ऑफ टूज फाइंड आउट करना है मुझे नंबर ऑफ फाइव फाइंड आउट करना है तो वही मेरा आंसर होगा तो देखो एक को तो छोड़ दो पांच क्या होगा एक गुना पांच दस कितना होगा दो गुना पांच पंद्रह कितना होगा तीन गुना पांच बीस क्या होगा दो दुनी चार गुना पांच पच्चीस क्या होगा पांच का स्केयर, तीस क्या होगा दो छः, छीस थर्टी फाइव क्या है? सात गुना पांच ओके okay, फोर्टी कितना है मेरे पास दो 45 पंजे पंजे का क्यूब आठ पंचाय चालीस पैंतालीस क्या है तीन तीन नौ पंच पैंतालीस पचास क्या आपके पास पाँच का स्केयर गुना दो पचपन के आपके पास पाँच गुना ग्यारह साठ के आपके पास दो या छः यह चार दिए बारह साठ तो वेक्टर्स बन गए तो बस यहाँ से नंबर ऑफ टू काउंट करो नंबर ऑफ आप फाइव काउंट करो देखो कैसे पेयरिंग बनती है चलिए जी, देखो नंबर ऑफ टूस नंबर ऑफ टूज़ कितने देखो मैं अगर बात करू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस नंबर ऑफ फाइव नंबर ऑफ फाइव कितने मेरे पास लेट मी चेक इट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और एक चौदह तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा हो भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को सिर्फ टू और फाइव से मतलब है तो अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ टेन कितने हो मेरे पास या नंबर ऑफ जीरो टेन भी छोड़ो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए दस बिकॉज यहां से दो दस उठाऊंगा यहां से दो पांच उठाऊंगा सॉरी दस पांच उठाऊंगा बन गया मेरे आंसर तो कितना ऑप्शन नंबर है वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन क्लियर चलिए ये क्वेश्चन अगर मैं आज की क्लास के कहूँ मानू तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया मल्टीपल ऑफ थ्री तो तीन का मल्टीपल नहीं है एक्स प्लस वाई प्लस ठीक है ओ बी ओ नाउ डिपेंड नहीं करता बताऊंगा क्योंकि स्टेटमेंट लगेगी आफ्टर सोल्यूशन क्योंकि तीन तो ऑलरेडी आ चुके मुझे तो दिख रहा है यहाँ से देखो क्योंकि एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई ये तीनों अलग अलग फॉर्मेट की स्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे लिखें हंड्रेड एक्स प्लस टेन वाई प्लस ऑफ जेड ठीक है नेक्स्ट मेरे पास क्या है वाई जेड एक्स हंड्रेड वाई प्लस टेन जेड प्लस ऑफ एक्स ठीक है अच्छा तीसरा क्या है जेड एक्स वाई हंड्रेड जेड प्लस टेन एक्स प्लस वाई तो बेटा अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा देखो ये आएगा मेरे पास हंड्रेड एक्स प्लस टेन वाई प्लस जेड प्लस ऑफ

ठीक है ठीक है अच्छा इसको पहले लिख दिया कोई बात नहीं सो एक्स एक सौ दस एक्स और एक सौ ग्यारह एक्स प्लस वाई कितना सो वाई दस वाई एक मिनट रुको इसको ना मैं दोबारा लिख लूँ मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें. ये ठीक है एक्स वाई जेड हंड्रेड एक्स प्लस टेन वाई प्लस जेड वाई जेड एक्स सो वाई टेन जेड एक्स ऐड so, so, कर देखो यहीं पे सो एक्स दस एक्स एक्सो ग्यारह एक्स प्लस plus ग्यारह वाई प्लस जेड सो दस ग्यारह तो भैया एक सौ एक अगर कॉमन आया तो कितना X, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्लियर मेरे पास बेसिक अब फॉर्मेट जो था वो ये बन चुका है क्लियर इसका मतलब ये क्या है मेरे पास थ्री इंटू थर्टी सेवन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया मेरे पास है न थोड़ा यहाँ लिखे इसको क्या है मेरे पास थ्री इंटू थर्टी सेवन इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ जेड दूसरी चीज क्या है मेरे पास अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये तीन से डिविजिबल है भी नाएं। तो नाएं इस क्या यूज था हो ना हो क्या फर्क पड़ता तीन तो आई गया चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है रिशो पर जैसा क्वेश्चन है करेंगे इसको इसका

इजिकल टू आर माइनस दो हजार अठारह इजिकल टू एस प्लस दो हजार उन्नीस इजिकल टू मैं के डाल दू ठीक है इसका मतलब पी माइनस दो हजार सोलह इजिकल टू के पी इजिकल टू के प्लस दो हजार सोलह क्यू प्लस दो हजार सत्रह इजीगल टू के क्यों कितना का के माइनस ऑफ टू जीरो वन सेवन ठीक है और एस यानी आर माइनस टू जीरो वन एट टू के आर कितना का के प्लस टू जीरो वन एट एस प्लस 2019 से के, के के, दो हजार उन्नीस इज के माइनस ना सबसे सबके पास न, सब से, सब के के, है के डिपेंड क्या रहे हैं ये नंबर प्लस माइनस कितना है तो भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन क्लियर नोट कीजिए नेक्स्ट पे चलेंगे चलो जी चलो चलो क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी फाइव डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग ऑफ डिजिट्स ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है इसमें पेन भी नहीं चलेगा अगर कोई बच्चा ध्यान से समझ लेगा तो सीरियस यू डोंट हैव टू यूज द पेन डोंट हैव यू यूज द पेन व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो सबसे पहले यू मस्ट नो वट इज माई प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर पहले सोचने वाली बात है कि प्राइम नंबर होता क्या प्राइम नंबर वो होता है जो किसी नंबर से कटे ना है ना मतलब जो किसी नंबर से कटे गए नहीं मेरे पास कौन कौन से जैसे नंबर किससे नहीं कट सकता दो तीन पाँच सात नौ ग्यारह ऐसे कर करके आप कोई भी डिजिट उठा लो कोई भी नंबर देखो दो की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आपके पास यूनिट डिजिट दो होना चाहिए मतलब यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए तीन क्या बोलता है सम मस्ट थ्री। पांच क्या बोलता है एंड में जीरो या पांच नहीं होना चाहिए फिर सात फिर नौ फिर ग्यारह ऐसे करके सर नौ भी नहीं आएगा सॉरी नौ क्यों आएगा नौ से तो तीन वाला हो गया मेरा ठीक है ग्यारह ऐसे करके लगा लो बट ग्यारह नौ तक तो मैंने जाना ही नहीं है अब ध्यान से मेरी बात सुनना मैं कोई भी डिजिट हूँ मैं कोई भी नंबर बनाना चाहूँ एक दो तीन चार पांच को लेके तो इनका सम कितना आएगा वन प्लस टू प्लस थ्री फोर प्लस फाइव पाँच चार नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह आ गया अगर ये पंद्रह आ गया तो क्या ये तीन से डिविजिबल है यस तो आप कोई भी नंबर बना लो वो तीन से कटेगा ही कटेगा तो आंसर कितना गया ऑप्शन नंबर है? जीरो बताओ भैया इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी क्या आपको दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक आप मेरे साथ खड़े क्लियर चलिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन उन्नीस में भी था बट उसमें ये था

अब उस पेज को फाड़ने के बाद जो पेजेस बचे उसके जब नंबर को आपने एड किया तो वन अब अगर 195 आया अब आपको यह बताना जो फाड़ा हुआ पेज था ना उसके नंबर क्या थे साफ साफ उसकेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन इजिली है देखो आपके पास क्या है ऐसे नंबर हैं पहले एक है फिर दो है फिर तीन है ऐसे करते करते टोटल कुछ पेजेस हैं मुझे नहीं पता भी नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ पेजेस भी एन पेजेस ठीक है तो सबसे पहले इस एन को निकालना उसके बाद मेरा अपने मतलब भाई अगर एक पेजेस हैं उसको छोड़ के तो एक मेरे पास सम है ना तो सम ऑफ़ एपी क्या होता है एन बाई टू यानी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ठीक है यही होता अब कोई ऐसा नंबर और आपने मान लिया एक्स आपके पास वो है या एक्स आपके पास वो है जो आपने टॉर्न किए यानी टोटल नंबर पेजेस कितने हुए एक्स जमा एक सौ पचानवे एक्स जमा एक सौ पचानवे हो गए अच्छा ये आपको एन लग रहा है मैं एक्स को तो ठीक कर दूं देखो एक्स जमा एक सौ पचानवे ठीक है ये एक्स है और ये एन है ये या इसको यार कुछ और ले लो पी ले लो ताकि दिक्कत ना आए ये कंफ्यूज ना जाओ तो पी जमा एक सौ पचानवे टोटल पेजेस होगी या टोटल आपके सीक्वेंस होगी अब यहां पे आओ जरा मुझे एन की वे देखो एन इतना बड़ा नहीं हो सकता एन को अगर मैंने उन्नीस पुट किया कि मैं मानता टोटल उन्नीस पेजेस है तो उन्नीस गुणा बीस बटे दो कितना आ गया एक सौ नब्बे बट जो नंबर है वो एक सौ नब्बे से बड़ा है यानी एन को कितना पुट अभी कितना पट्टी का उन्नीस बीस इंटू बीस जमा एक बटा दो दस यानी कितना हो गया दो सौ दस हो गया यानी दो सौ दस इजिकल टू पी प्लस वन नाइनटी फाइव तो पी कितना आ गया मेरे पास फिफ्टीन पंद्रह आ गया पी मेरे पास क्लियर तो अगर पी पंद्रह आ गया तो इसका मतलब क्या होगा आठ और सात क्वेश्चन नंबर ये लगातार सात आठ पंद्रह ऑप्शन नंबर भी क्लियर तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग वीडियोस चलिए भाई इफ यू हैव टू स्टेट्स स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर देखो जहां पे मिनिमम मैक्सिमम की बात आए ना वहां पे आपको याद आना चाहिए एलसीएम एंड इसकी बात खत्म वहां पे आपको याद आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ अभी इस क्वेश्चन में आप एलसीएम निकालोगे कि एचसीएफ ये मैटर करता है सबसे पहले ये मैटर करता है कि आप यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे कि आपका एलसीएम निकलेगा ये सोचना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एलसीएम आएगा कि एचसीएफ आएगा प्लीज सोचिए इसको जरा कि आपके पास क्या आना चाहिए या तो एलसीएम आएगा या ऐसे अब क्या आएगा वो देखना है मुझे देखो सबसे पहले सेवन पॉइंट फाइव इसको कैसे लिखूंगा मैं सेवेंटी फाइव बाई टेन यानी पंद्रह बटे दो ठीक है थ्री पॉइंट टू फाइव यानी थ्री ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड तो पच्चीस चौके सो तो तेरह बटे चार तो बस अब इसका एच सी एफ निकाल लो यानी एच सी एफ ऑफ पंद्रह एंड तेरह डिवाइडेड बाय एलसीडसी पंद्रह तेरा दो एक एलसीएम दो चार का चार तो 1 .2, 1 .2, oh, sorry, 1 4 कितना होगा जीरो पॉइंट ऑप्शन कैसा लगा मजा तो आया होगा कंफर्म है भाई इसमें आपको बड़ा मजा आया होगा बिकॉज बहुत शानदार क्वेश्चन थे बड़े लॉजिकल से क्वेश्चन थे जो हमने अब किए क्लियर चलिए जी नेक्स्ट है मेरा माइक्रो कोर्स अब व्हाट इज माइक्रो कोर्स व्हाट आर माइक्रो कोर्स क्या होता है पता है किसी को हाँ जी आटा की आपने बताइए मुझे देखिए माइक्रो कोर्स क्या होता है माइक्रो कोर्स एक ऐसा इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पूरा कोर्स नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक करना है या वो एक पार्ट करना है जो आपको समझना है या जो आपको करना है डिटेल में बताते हैं ऐसे बात समझ नहीं आएगी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया ठीक है चलिए तो चलिए, सेट, देखिए यहां पे सारे सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स यहां पे आपको वीडियो कोर्सेज यहाँ पे टेस्ट कोर्स यहाँ पे माइक्रो यह इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे देखो, यहां पे अपना दस का है। और यहां है यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगेन देखिए नेक्स्ट है मैथ एंड एबिलिटी जैसे पूरा जो बंडल है थ्री फाइव टू एट का ठीक है पैंतीस रुपए का अगर आप पूरा कोर्स ना करके

और छह मिनट का ट्राइल इसमें आप क्या कर सकते हैं इसको आप टेस्ट के तौर पर दे सकते हैं जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जाएगी इसी तरीके से आप कोई भी माइक्रो कोर्स खरीद सकते हैं चाहे वो एलसीएमएस हो नेक्स्ट टाइम अगर बात करूं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनडी एबिलिटी पूरा बंडल है छब्बीस सौ चालीस रुपए का क्लियर जैसे पजल टेस्ट है मेरे पास मेरे पास रैंकिंग रैंकिंग एंड ऑर्डर है यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही रहा हर साल ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस हो गया मेरे पास उसके बाद सारे के सारे टॉपिक्स सा, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और छह मिनट का ट्रायल एक हर एक टॉपिक के साथ है तो प्लीज अवेल कीजिए इसे नेक्स्ट क्या मेरे पास मेरे वाटर इमेजेस आप कोई भी चैप्टर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है मेरे पास इंग्लिश कॉम्प्रीहशन देखिए पूरा बंडल है चार सौ तेरह रुपए का रीडिंग कॉम्पिनेशन आपको पता है रीडिंग कॉम्पिनेशन ही आता है इसमें तो छह लेक्चर इसमें पूरा कंप्लीट किया हुआ एक वेब नोट सर नाइन सिक्सटी एट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास क्लियर नेक्स्ट है मेरे पास देखिए इसके बाद आपको ये वाला जो बैच है ये आपको ज्वाइन करने को मिलेगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया क्लियर नेक्स्ट है बेटा मेरे पास ये वो स्टूडेंट्स है जो भी रिसेंटली सिलेक्ट हुए विद देयर नेम एंड देयर रैंक सो वी हैव मल्टीपल रैंक होल्डर्स क्लियर सो प्लीज इनको देखिए और यहाँ पे क्या है अगर मेरी बात ना भी आप मानोगे सर सर तो ही बोल रहे हैं बट यहाँ पे उन बच्चों के सुनहरे अक्षर हैं जो आज सरकारी कलम चला रहे हैं या सरकारी एक आई ऑफिसर बन चुके हैं ठीक है तो प्लीज़ देखिए पढ़िए आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स देखने को मिलेगी यहाँ पे हमारे लिए और आपके लिए भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए लिंक सब्सक्रिप्शन सब आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया थैंक यू